हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, तो एंजल की तरफ से जो भी गाइडेंस आ रही है मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपको हेल्प होगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वेट अ सेकेंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव हाई प्रिस्टेस। वाओ, एंड किंग ऑफ कप, सॉरी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये। इस कार्ड को ऐसे ऊपर रखकर ऐसे कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे सारे जोडियक साइंस हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर खाना से हैं मैं आपको उनके नाम बता रही हूँ। स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड विर्गो, ठीक है, ये साइन आए हैं मेजर और खाना से। बाकी यहाँ पे अर्थ, फायर और एयर, ठीक है, वाटर एलिमेंट से यहाँ पर मेरे को स्कॉर्पियो यहाँ से मिला है, बाकी पाइसेस और कैंसर यहाँ से भी हैं। ओके, तो सारे साइंस हैं। गाइज, आपका जो टाइम है ना, वो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं इसमें, ठीक है, दिस इज़ ओनली अ टेम्परेरी सिचुएशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर आप अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रहे हैं, ट्रस्ट में बहुत जल्दी आपको गेन भी हो जाएगा। जो लॉस अभी आप देख रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जो आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं डिवाइन। आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, ये कुछ नहीं है, बस ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी हमें कम प्रॉफिट होता है, तो ये एक लाइफ का पार्ट है, इसको ऐसे ही समझ के चलें, ठीक है। आप मेरे को थोड़ा सा अपने फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम में दिख रहे हो, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा आपको, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और दूसरा आपके खुद के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं अभी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ किसी प्रोसेस में हैं आप और आपको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि पता नहीं आउटकम कैसा निकलेगा, तो गाइज ऐसा निकलेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ आपके फेवर में चीज़ें होंगी। क्योंकि क्यों होगा, देखो अभी जिस भी पर्पस के लिए आप गाइडेंस मांग रहे हो ना, ये वाला पर्पस तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो ये तो 100% पूरा होगा, और आपकी इंट्यूशन भी आपको बोलती है कि यस ये चीज़ें पूरी होगी। इस चीज़ को पूरा कराने में आपका मन ये भी बोलता है कि भगवान को चाहे मिरेकल करना हो या कुछ भी करना हो, वो मिरेकल ब्लेसिंग सब कुछ भेजेंगे, गाइडेंस भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी विश्वास है कि ये चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं तो इस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की मर्जी से हुए हैं, और डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है। आपको इस चीज के ऊपर पूरा पूरा विश्वास होता है। आप वैसे तो घबराते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी टेंशन कर जाते हैं, ये आपके अंदर कमी है। इस चीज़ को आपको सुधारना चाहिए, हील करो इस चीज़ को, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, राइट नाउ। हो सकता है इमोशनल भी हो, लेकिन यस, यू आर वेरी 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 इंट्यूटिव काइंड ऑफ पर्सन, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बताती है, सारी रियलिटी बताती है, आप लोगों के फेस को भी थोड़ा सा पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं सामने से मुझे कैसी एनर्जी मिल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, दूसरे नहीं समझ पाते हैं, तो ये आपका एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो कि आप ही ने अर्न किया है, ठीक है। क्योंकि इंसान जितना हील होता जाता है ना, दुनिया को देखने का नज़रिया उसका बदलता है, तो आपका जो नज़रिया है वो बदला है, काफ़ी हद तक बदला है। तो गाइज़, आपकी लाइफ में ना अभी टेंशन जो आप
फेस कर रहे हो या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में वो टेम्प्रेरी हैं। आगे चलकर आपको देखो इतने जो खूबसूरत कार्ड्स मेरे हाथ में, ऐसा ही आपका आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ होने वाली है। ब्लेसिंग, अबंडेंस, गाइडेंस, गुड लक, गुड फॉर्चून, सब कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपकी मेहनत नहीं बंद होनी चाहिए, आपके कर्मा नहीं कम होने चाहिए, आप करते रहिए कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस, ठीक है। रिजल्ट को ज़्यादा मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएगी, ठीक है। ओवरथिंकिंग मत करना, आपके जो भी इश्यूज हैं जो आप अभी फेस कर रहे हैं आपको उसका आउटकम अच्छा मिल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल सेम ऐसी ही गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। आप सफ़र कर रहे हैं अकेले में, डिवाइन आपको देख भी रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आपकी सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही है इस तरह से, लेकिन बहुत जल्दी आप आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको भगवान की तरफ से रिवॉर्ड भी आ रहा है, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेते रहें, जितना ज़्यादा स्टैंड लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और जजमेंट बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगी डिवाइन की तरफ से। एंड हार्मनी, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, कनेक्शन को लेकर भी आपको टेंशन नहीं करनी है। चलो ये कार्ड है, वाओ, विक्ट्री का कार्ड हमारे पास फिर से आ गया, ट्रायम्फ कार्ड है। एंड द हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ट्रस्ट में आपका हार्ट चक्रा भी, क्योंकि आपके ना लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, और ओवरऑल तो मुझे विक्ट्री आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। ये होता है चैरियट का कार्ड नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और यस, आप अपने लिए ना जितना हो सके स्टैंड लेते रहें, अभी चाहे आपको लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, डजंट मैटर, आपको स्टैंड लेते रहना है कॉन्टिन्यूसली। एंड देन आपको जजमेंट के साथ ही आपको जो आपने खोया है अननेसेसरी वो आपको वापस से मिल जाएगा, डिवाइन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस डिवाइन आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओवरथिंकिंग ना करें, हेल्प इज ऑन द वे। और देखो ना यहाँ पर ये जो है ना ये कार्ड, ये हेल्प है, मिरेकल है, कुछ भी आप मान ले, आपको विश्वास है कि आप अपने पर्पस में ना कामयाब होंगे और हेल्प आपके लिए आएगी, और हेल्प इज ऑन द वे, ठीक है। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको यही बिलीव है, और देखो डिवाइन ने भी यही वाला कार्ड आपके लिए भेज भी दिया है, ठीक है। टाइम टू रिलैक्स, जब हेल्प भगवान की आपके पास आने वाली है तो आपको रिलैक्स फील करना चाहिए, आराम से अपने काम करने चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने आप की डिवाइन के साथ भी कनेक्ट रहो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहो, ठीक है। सारे जितने भी क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहे हैं सबके आंसर आपको आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी। जो आप करोगे वैसा आप पाओगे, तो अगर आपने अच्छा करा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को इस टाइम इनवाइट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी यू आर फेसिंग टफ टाइम इन योर लाइफ, ठीक है। जब टफ टाइम फेस कर रहे हो तो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आप सबके साथ पोलाइट रहें, ठीक है। कोई भी इस वर्ल्ड में आपके लिए ना परमानेंट नहीं है, सभी टेम्प्रेरी हैं। आज आप जिनसे मिल रहे हो एक ऑफिस में, हो सकता है आपकी कंपनी आप चेंज कर दें, दूसरी कंपनी में आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, फिर आप कहीं आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे टेम्प्रेरी लोगों के लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन अपने माइंड में रखनी नहीं है, रिलैक्स माइंड से आगे बढ़ना है। जब जब आप फंसोगे किसी कंडीशन में, सो डिवाइन आपके साथ वहां पर होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, तो डिवाइन ऐसे लोगों का साथ छोड़ते नहीं है, ओके। तो नॉक 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 एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, ओवरऑल आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। सो टेंशन ज्यादा ना लें, ठीक है, अपना कर्मा करते रहें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहें, रिलैक्स हो जाएं, ज़्यादा अननेसेसरी झगड़ों में आर्ग्यूमेंट्स में आपको पढ़ना नहीं है। जो लोगों से जिनसे थोड़ा ही टाइम का काम है तो उनकी तो बातें बिल्कुल भी दिल पर मत लगाना, ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ये बात आप ध्यान से रखिए सोचकर। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुकना, अपना कर्मा करते रहना, जैसा करोगे क्योंकि वही आपको मिलेगा। और पॉजिटिव होकर, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर अपने कर्मा कीजिए, अच्छा आप कर रहे हैं,
और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। मुझे ना सक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे काम यहाँ सॉरी कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। ट्रायम्फ का कार्ड भी सक्सेस बता रहा है, सक्सेस का कार्ड ऑलरेडी आ गया। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड हमारे पास है, तो ये जो मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो नियर फ्यूचर में, बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको सक्सेस मिल जाएगा। पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग अपने टारगेट को लेकर ना करें, अपनी लव लाइफ को लेकर ना करें। चीजें आगे चलकर बहुत ज्यादा फेवर में आ रही हैं आपके। ओके, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।